सही क्या पाकिस्तान का बात करो कब जब हम पेशाब करेंगे गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइड टू एक्सप्लोर और मैं हूं आपका होस्ट ऋषभ मावी। ये मेरा दूसरा दिन है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में मैंने अपने ये होम स्टे का टूर भी करवाया था। अगर आप मेरी इस सीरीज़ को देखेंगे पूरा तो आपको कश्मीर का श्रीनगर का पूरा गाइड मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस मेरी पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखें। ये मेरी सीरीज़ का दूसरा एपिसोड होने वाला है। इससे पहले वाला एपिसोड कि श्रीनगर तक कैसे पहुँचें, श्रीनगर तक पहुंचने के तरीके कौन कौन से हैं और कितना पैसा खर्च हो सकता है या कितना पैसा खर्च हो जाएगा, पूरा एस्टीमेट मैंने इससे पहली वाली वीडियो में दे चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो यहां कहीं लिंक होगा, आप जाके देख सकते हैं उसको। सुबह करीब 8:30 बजे मेरी आँख खुली तो बाहर निकल के देखा तो बारिश हो रही है बहुत तेज़। लोगों को कुछ गलत फहमियाँ होती हैं कि बहुत सारी सर्दी होगी यहाँ पर श्रीनगर में, बट ऐसा कुछ नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, मतलब आप नॉर्मल टी शर्ट या शर्ट पहन के आओगे तो काम चल जाएगा। सबसे पहली और ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप श्रीनगर या कश्मीर का प्लान कर रहे हैं, आपको सबसे किफ़ायती दामों में और सबसे सही प्राइस पे बहुत ही अच्छी हॉस्पिटलिटी के साथ आपको हाउस बोट मिल जाएंगे। और अगर आप श्रीनगर आए हो तो प्लीज़ एक दिन हाउस बोट में रुक के ज़रूर देखें। एक अलग ही फीलिंग होता है, आज तक ऐसा कभी फील किया नहीं मैंने। ये फील इस तरीके का है कि आप एक पानी में तैरती हुई नाव में सो रहे हो, जग रहे, खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, सब कुछ एक पानी में तैरती हुई नाव है वो, और उस नाव के ऊपर आपका घर बना हुआ, आपका रूम है। हाउस बोट लेने से क्या आपको एक फ़ायदा मिलेगा, एक तो आपको करीब ये 500 से लेकर 3000 तक की प्राइस रेंज में मिल जाएंगे। आपको जैसा चाहिए, सुपर डीलक्स, डीलक्स, सिंगल रूम, होम स्टे, हॉस्टल, जो भी चाहिए हाउस बोट में आपको मिल जाएगा। आपको शिकारा का भी आनंद लेने का मौका मिल जाएगा जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस है। ये जो पीछे जा रहा है ना, यही शिकारा है। इसमें आप बैठ के पूरी डल लेक का और जितनी फ्लड मार्केट है जो भी है सब कुछ का नज़ारा देख सकते हैं। इसका किराया करीब 300 से 350-400 रुपये के करीब होता है एक घंटे का। तो 2 से 3 घंटे के लिए आपको करीब 1200 रुपये पे करने पड़ सकते हैं शिकारा हायर कर रहे हो आप लोग। बारिश बहुत ज़ोरों से हो रही है, ऐसे मौसम में चाय और कुछ स्नैक्स मिल जाएँ तो बात ही कुछ अलग होगी। अभी हाउस बोट में बैठा हुआ था, ऐसे जस्ट पासिंग टाइम। अफाक भाई आए और ये अपने कुछ आइटम्स दिखा रहे हैं मेरे को, जैसे कि हाउस बोट है, की रिंग्स टांगने के लिए और घड़ियां हैं, ये सब हैंडमेड है। मतलब अगर आप चाहें तो यहां से खरीद सकते हैं। ये है अपना ड्राई फ्रूट बॉल, मतलब इसमें अगर आप चाहें तो अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह या मसाले वगैरह भी रख सकते हैं। और ये एक खास बात ये है कि ये सारे ना हैंडमेड है, मतलब ये कोई मशीन से नहीं बनाए जाते, ये सिर्फ अपने हाथों की कलाकारी है यहाँ की, जो कि जहाँ तक मुझे दिख रहा है काफ़ी सुंदर है। ये अपना ये है की रिंग, मतलब अगर आप चाहें तो इस पर की रिंग वगैरह टांग सकते हैं अपने घर में जहाँ भी चाहें। मतलब एक कश्मीर की ब्रांडिंग भी लगी हुई है यहाँ पे कि आपने ये कश्मीर से लिया हुआ है। ये भी ये अपना ज्वेलरी बॉक्स, ये जो जितने भी आइटम्स हैं सब वुड के बने हुए हैं, इको फ्रेंडली हैं, हाउस बोट। अगर आप ऐसे कहीं चिलम वगैरह भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर चिलम भी मिल जाएगी, सब कुछ हैंडमेड है। ये जिसको भी पीने का मूड है या जो भी पीने का शौकीन है वो ये सब यूज़ कर सकता है। हेलो, क्या नाम है आपका? साहिबा। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? फर्स्ट। आपका नाम क्या है? हुजूर उवैस। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? थर्ड। खाना वाना खाया आपने? खाया। कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अच्छा अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से? बस ये पास में ही है। बोट वगैरह से छोड़ने जाते हो? हाँ, शिकारा से ही जाते हैं। भैया आपको परेशान तो नहीं करते? कस्टमर समथिंग यूनसस। बारिश थम सी गई है पहले से, अभी शिकारा पे सवार होके सैर करने निकलेंगे अपने डल लेक का। हम लोग फिरदौस भाई के साथ शिकारा राइड पे निकल चुके हैं, लेक टूर। अभी हाँ, अपना डल लेक टूर पे जा रहे हैं हम लोग। ये मेरी ज़िंदगी की पहली शिकारा राइड है, मैंने आज तक कभी इस तरीके से नाव में बैठ के कभी राइड नहीं किया, तो काफ़ी अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। और जबकि कंपनी हमारे फिरदौस भाई के साथ में है तो अलग ही मज़े आने वाले हैं। अब तो मतलब मुझे लग रहा है इस सीरीज़ के एंड तक फिरदौस भाई फेमस होने वाले हैं। क्या बात है। जो इनका बिहेवियर है और जो ह्यूमर है ना, अलग लेवल का है। सबसे पहले हम कहाँ जाने वाले हैं? गोल्डन लेक। तो सबसे पहले हम गोल्डन लेक जाने वाले हैं। कितना टाइम लगेगा यहाँ से? बस 10 मिनट। ओके,
के विद इन 10 मिनट्स वहाँ पर क्या क्या देखने को मिलेगा? कुछ नहीं, गोल्डन लेक है, चारों पास में सुपर डिलक्स कैटेगरी हाउस बोट्स है। ओके। शाम का जो लाइटिंग ऑन होता है ना हाउस बोट, तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो पानी का रिफ्लेक्शन जो लाइट देता है इट लुक गोल्डन। ओके। सो दैट्स व्हाई देयर इज द नेम ऑफ दैट प्लेस गोल्डन लेक। उसके बाद आएगा नेहरू गार्डन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया पानी के बीच में। उसके अंदर रेस्टोरेंट है, स्विमिंग पूल है, बच्चों के लिए फूल बगीचा है। वहाँ 10 to 15 rupees एंट्री है, बट आई थिंक नो नीड टू गो इनसाइड, यू कैन सी आउटसाइड, बिकॉज गार्डन तो आपके दिल्ली में भी है, यू शुड सी द रियल नेचुरल। उसके बाद ओपन लेक वगैरह, स्विमिंग बोट से कबूतर खाना फ्रॉम महाराजा करण सिंह प्रॉपर्टी मिडल ऑन द लेक। ओके। और वैसे हम वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि आपका टाइम भी देखना है। अगर आप श्रीनगर आ रहे हो और डल लेक में शिकारा राइड कर रहे हो तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हम देखेंगे, वो आप कभी मिस आउट नहीं करो। तो मेन मेन चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में आगे, मतलब जो नज़ारा है ना सामने का कितना ज़बरदस्त नज़ारा। अभी आगे आगे देखो होता है क्या, इंशाल्लाह जो भी होगा सब अच्छा ऊपर वाले की मर्जी से होगा और अच्छा होगा। बिल्कुल। मैंने कश्मीर आने से पहले एक व्लॉग पढ़ा था, कुछ वर्गीस अली करके किसी का व्लॉग था, उसमें ये लिखा हुआ था कि कश्मीरी लोग टूरिस्ट को एज अ गॉड मानते हैं। मतलब जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मुझे यही फील हो रहा है कि सच में यहाँ पे टूरिस्ट को एज अ गॉड की तरह ही ट्रीट किया जाता है। बहुत अच्छी जगह है ये। आप और हम चाहते हैं अमन शांति, अपना हंसी खुशी परिवार, रुपया 10 मिले, दाल रोटी चले, ये काफ़ी है। पर ये हमारा धंधा है, मेरा धंधा है हाउस बोट का। आपका धंधा है, आप इंजीनियर है, वकील है, डॉक्टर है, वो आपका धंधा है। पॉलिटिकल लोगों का धंधा है यही, तो कहीं ना कहीं इसमें पॉलिटिक्स घुसी हुई है। पॉलिटिक्स आजकल आप सभी को पता है कितनी गंदी है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा इस बारे में। कश्मीर टिल 30 years बिफोर इट वॉज कश्मीर और 35 years बिफोर, राइट नाउ दिस इज नॉट कश्मीर, दिस इज कैशमोर, दिस इज ATM मशीन पॉलिटिकल फॉर द पॉलिटिकल पीपल, इवन दे आर फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम सेंटर और एनीवेयर। पाकिस्तान, पाकिस्तान, अरे पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान का बात करो कब, जब हम पेशाब करेंगे। हम लोग जहाँ पे हैं ये ओपन लेक है, मतलब जो यहाँ का नज़ारा है वो काफ़ी खुला खुला है, चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मतलब लेक एक ही है, उसको अलग अलग तरीके से नाम दे दिया गया है कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, खुला हुआ है, इसीलिए। तो यहाँ का जो डेप्थ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ के पानी की गहराई, मतलब इन केस अगर कोई फिसल जाता है या गिर जाता है तो बचने के बहुत कम ही चांसेस हैं। यहाँ की जो पानी की गहराई करीब 25 फीट के आसपास है। दूसरा बात यह है यहाँ होता है वाटर स्केटिंग, वाटर स्की। ओके, वाटर स्कीइंग। बीच में दो बोट है ना, एक और दो व्हाइट कलर के, वो हो गया स्विमिंग बोट। ओके। उसके जरिए से करता है वाटर स्केटिंग और कोई स्पीड बोट चलाता है। ये हो रहा है ना वाटर स्कीइंग हो रहा है, वाटर स्कीइंग वहाँ पे हो रहा है। उसमें क्या होता है कि एक स्टीमर या फिर एक बोट होती है, मोटर ऑपरेटेड, एक बोट को चलाता है बंदा, उसके पीछे बड़ा सा लकड़ी का फट्टा टाइप का कुछ पे भी उस पर खड़े होके, और आपको जस्ट खड़े रहना है, वो बोट आपको खींच के ले जाएगी। तो अगर आप ऐसे आ रहे हो तो ओपन लेक में आने के बाद मतलब यहाँ पे मोटर बोट वगैरह यूज कर सकते हो, चला सकते हो, वाटर स्कीइंग कर सकते हो। साथ कपड़ा भी गीला नहीं होगा, मतलब वो इस तरीके का कोई सूट वगैरह प्रोवाइड करते होंगे? नहीं नहीं, खाली लॉन्ग जूता और रस्सी पकड़ना है तो फिर आपको पूरा पानी के ऊपर चलना है। अच्छा, पानी के ऊपर राउंड देगा। मतलब आप अगर कुछ एडवेंचरस एक्टिविटीज करना चाहते हैं, आपके मन में है, तो आप यहाँ पे डल लेक में ओपन लेक जो एरिया है यहाँ पे आके कर सकते हैं। काफी सारी एजेंसीज भी हैं जो आपको करवाती हैं। मतलब चारों तरफ से पहाड़ों के बीच घिरी हुई ये लेक है, काफी अमेजिंग लग रहा है। भी जो पीछे एक निकल के गया वो था अपना नेहरू गार्डन, और ये ओपन लेक आ चुका है। यहाँ पे बादल हैं, वो देखो कितने नीचे नीचे दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे कि बस मतलब पहाड़ ऊपर हैं और बादल नीचे।
क्लाइमेट, हाँ एसी क्लाइमेट आज का मौसम एसी क्लाइमेट की जैसा हो रखा है। नॉर्मली जो भी टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा कम ही है। और यहाँ डल लेक में ऐसे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब ये जो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, मतलब आप कुछ खाने पीने की चीज़ भी ऑर्डर कर सकते हो, खा सकते हो यहाँ पे बैठ के। ये सभी नाव के ऊपर बने हुए हैं, हल्का फुल्का स्नैक्स वगैरह, मतलब आपको मील तो नहीं मिलेगा बट हल्का फुल्का स्नैक्स मिल जाएगा, जैसे मैगी नूडल्स वगैरह, बिरयानी वगैरह आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ये अपना पूरा मेनू कार्ड है जिसमें आप जो भी देख सकते हैं पॉज करके वीडियो को, कि आपको कितना कितने का मिलेगा। हालांकि जहाँ तक मुझे जो खाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्लेन मैगी खानी है तो आपको 60 रुपीज़ की, वेज मैगी खानी है तो आपको 80 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, अगर चाय पीनी है तो 25 रुपये। आप कुछ खाएँगे? ठीक है, तो फिर एक चाय मेरे लिए भी। हाँ तो मैं अभी ऑर्डर करने वाला हूँ एक चाय और एक मैगी, प्लेन मैगी। मेरे सामने आप देखेंगे नीला हरा आसमान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई है डल लेक, बहुत ही सुंदर लग रही है जहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक शिकारा राइड का छोटा सा क्विक रिव्यू देना चाहूँगा मैं। अगर आप श्रीनगर आ रहे हो तो ये कम से कम एक बार तो करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें मिस आउट हो ही जाएंगी। कम से कम एक बार आप शिकारा राइड ज़रूर करें, जिससे क्या होगा कि आपको यहाँ की लोकलिटी के बारे में पता चलेगा कि लोकलिटी में लोग मतलब कितने चमत्कारी तरीके से रह रहे हैं यहाँ पे। कि अगर आप देखोगे जैसे फ्लोटिंग मार्केट है, मतलब पानी में घर बने हुए हैं, पानी में दुकानें बनी हुई हैं, नावों के ऊपर होटल हैं, हॉस्टल्स हैं, मतलब सब कुछ एक लेक के ऊपर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि अपने देश में इसके अलावा कहीं और किसी जगह पर ये सब अवेलेबल है। तो अगर आप श्रीनगर या कश्मीर आ रहे हैं तो ये ज़रूर देखें किस तरीके से इन्होंने कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। अगर आप चाहो तो फिशिंग कर सकते हो यहाँ पे, आराम से बैठ के फिशिंग भी होती है, आप शिकारा करते टाइम भी फिशिंग कर सकते हो। इस पानी में सिर्फ मछलियाँ हैं, मछलियों के अलावा कोई भी ऐसा जीव जंतु जानवर नहीं है, जैसे क्रोकोडाइल हुआ, ब्लू व्हेल वगैरह, ऐसा कोई कुछ नहीं है, बस मछलियाँ हैं यहाँ पे, छोटी छोटी मछलियाँ हैं। अभी मैं फ्लोटिंग मार्केट के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ, अभी फिरदौस भाई को कुछ सामान वगैरह लेना था इसीलिए हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे। जो शिकारा है उसके लिए उन्होंने एक नया यूनिफॉर्म सिलवाया है, वो लेने के लिए खड़े हुए हैं। तब तक आप लोग ये फ्लोटिंग मार्केट का नज़ारा इन्जॉय करिए। जब भी शिकारा राइड करेंगे तो आपको कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो फिशिंग करते हुए दिखेंगे, आपको कहीं वाटर स्कीइंग करते हुए दिखेंगे, और एक अच्छा सा नज़ारा डल लेक का देखने के बाद। तो अभी हम लोग फ्लोटिंग आइलैंड देखने जा रहे हैं, मतलब जिस हिसाब से इन्होंने बताया मुझे तो कुछ मिस्टीरियस टाइप का लग रहा है ये। तो अभी पहुंचने के बाद फिर देखते हैं वहाँ का नजारा कैसा होता है। ये फ्लोटिंग लैंड है एक तरीके से, ये ऊपर आ जाता है जैसे पानी बढ़ता है तो ये ऊपर आ जाता है, तो इस जगह पे आके लोग खेती वगैरह कर लेते हैं। मतलब जैसे पानी बढ़ेगा वैसे वैसे इसका ये हाइट ऊपर आता जाएगा। तो क्या होता है कि जब ऐसे कोई ज्यादा बारिश वगैरह हो जाए या ज्यादा बाढ़ आने के चांसेस होते हैं या बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है कि जो नॉर्मल जमीन पे हमारी खेती वगैरह है वो सब बर्बाद हो जाती है। जो भी लोग खेती करते हैं इस जगह पे आके लोग खेती वगैरह कर लेते हैं। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये एक वर्कशॉप है जहाँ पे शिकारा वगैरह को रिपेयर किया जाता है और नए शिकारा भी बनाए जाते हैं। इनकेस किसी का शिकारा लीक हो रहा है या कोई दिक्कत आ रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करने के लिए लोग यहीं पे लेकर आते हैं। ये जस्ट पीछे है वो वर्कशॉप है एक तरीके से, तो उसको रिपेयर वगैरह, और अगर किसी को नया शिकारा लेना है तो नया शिकारा लेने के लिए वो यहीं पे आ सकते हैं। ये जो मेरे साथ में एक दुकान है ये क्या है ना, अखरोट की लकड़ी से कुछ फर्नीचर वगैरह या उसका कुछ एंटीक टाइप के आइटम बनाए जाते हैं, वो उसी की दुकान। ये अखरोट की लकड़ी के जो फर्नीचर की एक खास बात ये है कि ये कितना भी पुराना हो जाओ इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह या कोई भी दीमक वगैरह नहीं लगेगी, ऐसे ही चमकता रहेगा हमेशा, यही इसकी खासियत है। और ये सिर्फ कश्मीर में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपको कहीं अपने घर में कुछ एंटिक चीज़ रखनी है तो आप यहाँ से खरीद के ले जा सकते हैं। हालांकि थोड़ी प्राइस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको ये खरीदना है तो उसके लिए आपको शिकारा राइड लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दुकानें हैं
इनकी कोई बाय रोड कनेक्टिविटी नहीं है, ये सिर्फ शिकारा से ही कनेक्टेड है। और ये जो जस्ट मेरे पीछे ये है मीना बाजार। जैसे आप कुछ सर्दी का सामान वगैरह, कुछ शॉल वगैरह, कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी लेना हो, इस तरीके की ज्वेलरीज वगैरह भी मिलती होंगी ना, तो मतलब ये पहनावे से संबंधित जितना भी आइटम है वो इस मीना बाजार में मिल जाता है। ये भी एक फ्लोटिंग मार्केट की तरह ही है, शिकारा राइड के थ्रू आके और काफी सारी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। शिकारा राइड में जितना भी देखने लायक था वो हमने देख लिया। ग्रीन टनल के थ्रू हम लोग अभी जाएंगे अपने होम स्टे में, तब तक नज़ारे को एंजॉय करिए आप भी। अगर आपको कहीं एक अच्छी सी जगह और काफ़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी करनी है और कुछ नया करना है तो कश्मीर आपके लिए खुला हुआ है और आप कभी भी आ सकते हो। अगर आप चाहो कि आपको पहाड़ों की ब्यूटी देखनी है तो वो भी मिल जाएगा आपको। अगर आप चाहो ऐसे नदियों टाइप हाउस बोट वगैरह और बोटिंग करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। अगर आपको फूल वगैरह देखने हैं, खेत वगैरह, मतलब जो भी नेचुरल ब्यूटी देखनी है अगर आप देखना चाहते हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए कश्मीर। सेफ्टी के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बेस्ट है। अगर आपके मन में कश्मीर आने का है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आएँ। हाँ, कोई डर की और कोई भी कंफ्यूजन की कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप आराम से आके नज़ारे और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। एक अच्छा ट्रैवल का ऑप्शन है कश्मीर। मैक्सिमम लोग मैंने देखा है कि हिमाचल में ज़्यादा भाग रहे हैं क्योंकि हो सकता है वो इजीली एक्सेसिबल है, बट जो नज़ारे कश्मीर में आके आपको देखने को मिलेंगे वो नज़ारे हिमाचल जैसी जगह पर नहीं देखने को मिलेंगे। मतलब जितनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर करने को हैं उतनी ज़्यादा वहाँ पर हिमाचल में एक्टिविटीज़ करने को नहीं है। हिमाचल जाना एट द प्लेस ऑफ कश्मीर इज़ लाइक यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर ट्रैवल प्लान्स। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, एडजस्ट मत करो। अगर आपका मन है कश्मीर आने का तो बेफिक्र होकर आइए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-4.5 हज़ार रुपये की फ़्लाइट मिल जाती है, अप एंड डाउन की आपको करीब 8 हज़ार रुपये में फ़्लाइट मिल जाएगी। इजीली एक्सेसिबल है, श्रीनगर एयरपोर्ट से जस्ट 10-15 किलोमीटर दूर ही अपना ये डल लेक है, जहाँ पर आपको हाउस बोट वगैरह मिल जाएंगे। बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, अगर आप घूमने का कोई प्लान बना रहे हैं तो सबसे बेस्ट जगह है ये। सबसे जो बड़ा डाउट है लोगों का वो यही है कि इज़ इट सेफ और नॉट। यहाँ पर भाई ऐसा कोई थ्रेट नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, बस न्यूज़ चैनल्स पे पॉलिटिशियंस या उनकी वजह से लोगों को उल्टा सीधा दिखाया जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कश्मीर टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ आएंगे तो यहाँ के लोगों की भी कहीं ना कहीं हेल्प होगी और डेवलपमेंट कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होगा, किसी ना किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से। अगर आप आना चाहते हो तो फ्रीली आइए, डायरेक्ट दिल्ली टू श्रीनगर आप फ्लाइट ले सकते हैं, बेंगलोर टू श्रीनगर, देश की सारी बड़े बड़े जगहों से फ़्लाइट डायरेक्ट है श्रीनगर के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो, और एक अफोर्डेबल प्राइस पर आपको फ़्लाइट मिल जाएगी। आप बेफिक्र होकर आ सकते हैं और यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी जगह हैं सुंदर सुंदर, अपने आगे के वीडियोज़ में मैं वही सारी कवर करने वाला हूँ। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड इन अ दूध पथरी वैली। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो एंट्री करते टाइम आपको सबसे पहले एक एंट्री गेट मिलेगा, तो एंट्री गेट पे आपको एक एंट्री स्लिप कटवानी पड़ेगी। अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं तो सिर्फ 20 रुपये ही कटवानी पड़ेगी। अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हैं तो आपको 50 रुपये की स्लिप या एंट्री फीस देनी पड़ेगी यहाँ पर।